ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आज ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शामिल है। जब आपने ग्राफिकेरा का सफ़र शुरू किया था तब क्या ये लक्ष्य निर्धारित किया था आपने? देखिए, जैसा आप जानते हैं ग्राफिकेरा की स्थापना बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से हुई थी। 1993 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने मात्र एक कंप्यूटर से अपने घर से ही कंप्यूटर ग्राफिक्स की ट्रेनिंग देनी शुरू की थी, इसीलिए इसका नाम भी ग्राफिकेरा पड़ा। लेकिन ये रहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही तो उनका हमने पूरा फ़ायदा उठाया और सपने देखने कभी नहीं छोड़े। और जब पहला सपना पूरा होने वाला होता था तो उससे पहले हम नया सपना देख लेते और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। शुरुआत में इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था कि हम लोग यूनिवर्सिटी बना लेंगे या इस तरह से कर लेंगे, लेकिन उस समय जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती गई उनको अवेल करते गए और नए टारगेट सेट करते गए। ग्राफिकेरा में एक चीज़ बड़ी फेमस है, कहते हैं यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। जब भी हमारा लक्ष्य पूरा होने वाला होता है उससे पहले हम कोई नया लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और जब पहला लक्ष्य हम अचीव करते हैं तो उस समय नया लक्ष्य जो है हमारी आंखों में होता है। तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए। सर, ये बड़ा गौरवपूर्ण सफ़र है, ये सब कुछ इतना आसानी से तो नहीं हुआ होगा, चुनौतियाँ भी काफ़ी आई होंगी, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है आपके सामने? देखिए, बड़ा मुश्किल है बताना कि सबसे बड़ी चुनौती क्या रही, क्योंकि सारी चुनौतियाँ उस समय के हिसाब से बड़ी थी। जैसे 93 में जब हम लोग कंप्यूटर सेंटर थे उस समय जो चुनौती आती थी अगर उसको उस समय हम पार नहीं कर पाते तो आगे का दौर नहीं देख पाते। उसी तरह जब 98 में हम ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थे उस समय की चुनौती उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। तो समय के हिसाब से चुनौतियाँ आती रहती हैं हर व्यक्ति के जीवन में, हर संस्थान के जीवन में, और उनको उसी समय जो है डट के मुकाबला करना होता है और उनको जो है पार करके आगे निकलना होता है। जब ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी बनी तब कैसे हालात थे सर? देखिए, जब ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी बनी, क्योंकि इससे पहले ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, एक एफिलेटेड कॉलेज था उत्तराखंड गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अंदर। तो जब ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी बनी और वो कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाने लगा तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उनका कंट्रोल बना रहे और इसमें काफ़ी अवरोध भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, हमको भी स्टेट गवर्नमेंट में जो गलत फहमियाँ थी वो दूर करनी पड़ी। तो इसमें काफ़ी सारा समय शुरुआत में इस चीज़ पर लग गया। इस लंबे सफ़र के कुछ खट्टे कुछ मीठे खास अनुभव? देखिए, खट्टे अनुभव भी होते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि खट्टे अनुभवों से जो है खट्टे अनुभवों से अनुभव लेके, मतलब उससे आप तजुर्बा तो लीजिए लेकिन उनको अपने दिल में न रखिए। और जो मीठे अनुभव हैं, सबसे जो अच्छा अनुभव था जिस समय डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी 14 तारीख अगस्त 2008 उस समय था, क्योंकि उस समय हमको काफ़ी एकदम से ऑटोनॉमी मिलने वाली थी और जो चीज़ें हम नहीं कर पाते थे, जैसे हम अपने कोर्सेज चेंज नहीं कर सकते थे, टाइम पे एग्जामिनेशंस नहीं कर सकते थे, इंडस्ट्री से कोलेबोरेशन नहीं कर सकते थे और यूनिवर्सिटीज से कोलेबोरेशन नहीं कर सकते थे, एकदम ये सारे अधिकार मिले तो बहुत अच्छा लगा और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इसमें आगे बढ़े। और उसके बाद आपने हमारी रिसर्च देखी होगी, बहुत ज़्यादा रिसर्च में जो है एकदम से परिवर्तन आया और उस इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज अगर आप देखें तो हमारा जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, करीब 1000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप देखते हैं कि हमारा 97th रैंक है सारी यूनिवर्सिटीज़ में और उत्तराखंड में हमारा सारी यूनिवर्सिटीज़ में पहला रैंक है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग की रैंकिंग देखें तो हमारे यहाँ 10,000 के करीब इंजीनियरिंग के संस्थान हैं जिसमें सारे NITs हैं, IITs हैं, IIITs भी हैं, इन सबको मिला के भी हमारा 89th रैंक है। तो ये सब वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद की चीज़ें हैं। सर, बी करने के बाद सब लोग नौकरी की तरफ दौड़ते थे, वो भी वैसा ही दौड़ रहा होगा, उसमें वो कौन सी प्रेरणा थी, कौन सी शक्ति थी कि आप अपना सेंटर खोलने का जोखिम उठा पाए? देखिए, उस समय यहाँ पे गैप तो था, यहाँ पे वो क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन उस दौर में थी नहीं और उस समय कंप्यूटराइजेशन का दौर था। तो मेरा तो एक जो है बिल्कुल ही स्पेसिफिक कंप्यूटर ग्राफिक्स को लेके काम करने का मन था, घर से ही मैंने शुरू किया था 29,000 रुपीज़ के साथ। लेकिन धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आती रही, जो भी चीज़ आती रही, मेरा ये था कि मेरा दिमाग खुला हुआ था, जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती थी मैं उसको अवेल करता था।
तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स भी बहुत दी, उसके बाद मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटीज़ में सॉफ्टवेयर डेवलप किए। जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन हुआ, उस समय प्रोफेसर KP नोटियाल साहब वहाँ के वाइस चांसलर होते थे और उनका बहुत आशीर्वाद मेरे साथ रहा और उन्होंने ही उस समय सजेस्ट किया कि हम लोग जो है, क्योंकि एक प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, इसके बजाय एक इंस्टीट्यूट बना लें जिसमें जो है प्रॉपर डिग्रीज हों, BCA BMIT वगैरह, तो वहाँ से चलते रहे। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है कि हमें हमेशा कहीं ना कहीं पे जो है भगवान के भेजे हुए कुछ ऐसे लोग मिलते रहे जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और वही हमारी सफलता के लिए। आप अगर पूछें कि किसको आप क्रेडिट देंगे तो बीच बीच में जो हम लोगों को मिलते रहते हैं लोग, और उससे पहले हम उन लोगों को नहीं जानते, लेकिन एकदम से किसी आदमी का, किसी महापुरुष का प्रवेश होता है और वो हमें कोई राय देते हैं, हम उस राय पे चलते हैं और आगे निकल जाते हैं। सर, इस गौरवपूर्ण सफ़र की अगली मंजिल क्या है आपकी? देखिए, अगली मंजिल आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में हम एक बहुत ही विशिष्ट एक मेडिकल कॉलेज लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले 5-6 साल से उसकी तैयारी कर रहे हैं। हॉस्पिटल का काम करीब करीब पूरा हो गया। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की जनता को एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल जो सबके लिए अफोर्डेबल भी हो, साफ़ सुथरा हो, मल्टी स्पेशलिटी का हो, वो लेके आए और मेरे ख्याल 4-5 महीने में हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल और पैरामेडिकल के सारे कोर्सेस हम लेके आ रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी का मामला है, हम रिसर्च को और बढ़ा रहे हैं, कंसल्टेंसी बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं, ये तो अभी 12 साल के बाद की उपलब्धि है कि हम पहले 100 में हैं, हम चाहते हैं 15 साल के बाद जब आप हमसे क्वेश्चन पूछें तो हम 50वीं और 60वीं के बीच में हों कहीं पे। सर, आप उस दौर में मेडिकल कॉलेज लाने की बात कर रहे हैं जबकि चिकित्सा जैसे नोबल प्रोफेसर पर भी उंगलियां उठने लगी हैं, कमीशनखोरी के आरोप लगे काफ़ी लोगों पर, ऐसे में कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? देखिए, ये तो जिस संस्था को आप चला रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या सोच के चल रहे हैं, आपका विजन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अभी भी आप देखें तो उत्तराखंड के मेरे ख्याल से 90% इंस्टीट्यूट्स जो हैं उत्तराखंड में चल रहे हैं, सब एक स्कॉलरशिप घोटाला है, बहुत करोड़ों रुपए का स्कॉलरशिप घोटाला, उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जो जिनका विजन अच्छा है वो तो उसमें नहीं है, वो तो अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारा एक का इसको लेके एक विजन है, हमारा एक ड्रीम है। ड्रीम ये है कि उत्तराखंड, जिसने हमको इतना सब कुछ दिया है, वहाँ एक बहुत बड़ी जो है मेडिकल फैसिलिटी हमने यहाँ पे अवेलेबल करानी है और हम सच्चे मन से इस पे लगे हुए हैं और अच्छी तरीके से करेंगे भी। सर, उत्तरकाशी में आपदा हो, केदारनाथ में आपदा हो, कोरोना हो, फॉरेस्ट की फायर हो, हर जगह आप पहुँच जाते हैं मदद के लिए, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। हम एक पूरा व्यक्ति बना रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो आगे जाके अपने समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ मीडियम क्लास फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, ज़्यादातर बच्चे बैंकों के लोन लेके आते हैं, तो जब बैंक लोन लेके कोई बच्चा यहाँ एजुकेशन के लिए आता है और उसे एकदम से बढ़िया सी नौकरी मिल जाती है तो सबसे पहले तो उस लोन को उतारेगा, उसके बाद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने भाई को पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, सारी चीज़ें करेगा, एक अच्छा सा घर बनाएगा, कार खरीदेगा, उसके बाद क्या करेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, ये हम उसकी ट्रेनिंग के दौरान ही उसको जो है बहुत सी सोशल सर्विस वगैरह में डाल देते हैं, उसको इन चीज़ों का जुनून हो जाता है, तो उसके बाद वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेगा। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हम तैयार करते हैं जो अपनी यहाँ जो पढ़ाई है उसके दौरान ही यहाँ से अपनी कंपनियाँ इनक्यूबेट कर देते हैं। हमारे पास DST का इनक्यूबेशन सेंटर भी है, एक IIT रुड़की में है उत्तराखंड में, एक हमारे यहाँ है, तो वो अपनी पढ़ाई के दौरान ही किसी आइडिया को लेके आते हैं और जो आइडिया उनका होता है हम उन्हें सीट मनी देते हैं, उनको जो है काम करने की जगह देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, बैंडविड्थ देते हैं और एक्सपर्ट्स देते हैं जो उनको राय देते हैं और धीरे धीरे उनको जो है कंपनीज में डेवलप करते हैं। वो खुद भी रोज़गार अपने लिए क्रिएट करते हैं और अपने साथ 10-20-50 और लोगों के लिए भी रोज़गार क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चे हमेशा जो है जॉब सर्चर ना बने, जॉब क्रिएटर्स भी बने। यकीनन सर। सर, इसी से याद आया कि आपके एक एल्यूमिनाई ने आपके इसी स्टार्टअप सेंटर में दुनिया की सबसे छोटी ECG मशीन बनाई जो 2700 रुपये की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें बहुत शाबाशी भी दी। इसके बाद आप एक के बाद एक कीर्तिमान बनाते चल रहे हैं, ये सब कैसे हो पाता? देखिए, इन बच्चों को एक माहौल की ज़रूरत होती है, जो माहौल हम उनको प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो उसमें टेक्निकल उनको
एक्सपर्टीज चाहिए होती है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा जैसे इस बच्चे की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने ECG मशीन बनाई, तो इसके अलावा उसके सामने बहुत बड़ा संकट आ गया था कि बहुत जल्दी उसको कोई जो है फिनेंस करने के लिए नहीं मिल रहा था क्योंकि प्रोडक्शन शुरू करना था, तो यूनिवर्सिटी ने उसको जो है प्रोडक्शन शुरू करने के लिए भी धनराशि दी जिससे वो अपना प्रोडक्शन शुरू करें। जैसा आप जानते हैं ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, अगर कोई आदमी ने कोई चीज़ जो है ईजाद तो कर ली और उसके बाद पैसे की वजह से वो 4-5-6 महीने बैठा रहा तो तब तक कोई और आगे निकल जाएगा। तो एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं। सर कोरोना ने पूरी दुनिया बदल दी, तमाम चीज़ें बदली गई, शिक्षा जगत में आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव होने वाले हैं? देखिए कोरोना से जान और माल आपको पता है दोनों का नुकसान हुआ है। इंडिया को ही अगर देखें तो मैं 2 दिन पहले का आंकड़ा बताता हूँ, करीब 67,000 लोगों को रोज कोरोना हो रहा था, उस दिन हुआ है, परसों हुआ है 67,000 लोगों को, और करीब 700 से लेके 1,000 लोग हर दिन जो है कोरोना की भेंट चढ़ रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। तो जान और माल का नुकसान है, लेकिन इसके साथ जहाँ तक हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसने हमको जो है ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत आगे कर दिया, क्योंकि अभी तक हमारे बहुत से ऐसे टीचर्स थे जो 45 साल के ऊपर की उम्र के थे और ये टेक्नोलॉजी को टीचिंग में नहीं लाना चाहते थे, ऑनलाइन एजुकेशन से गुरेज करते थे, तो अब एक कंपल्सन हो गया तो सब लोगों ने अपने डिजिटल कंटेंट्स तैयार कर लिए, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जब मैं यहाँ डेटा स्ट्रक्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था देहरादून में, तो हिल यूनिवर्सिटी देहरादून कैंपस में नहीं पढ़ा पाता था, भीमताल में नहीं पढ़ा पाता था, अब तो हल्द्वानी भी हमारा एक कैंपस है। आज के दिन में मैं अपने सारे संस्थानों में इकट्ठे लेक्चर दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे संस्थान में अगर उस सब्जेक्ट के 2,000 बच्चे हैं वो तो उसको देखते ही हैं, उसके अलावा 8-10,000 और संस्थानों के बच्चे भी उस लेक्चर का फ़ायदा उठाते हैं। तो इंडिया के लिए जहाँ पे आपने देखा है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ जिस 14-18% लोग ही हैं जो 12th के बाद ग्रेजुएशन कर के लिए जाते हैं, और उसमें से ड्रॉप आउट्स भी हैं। कुछ लोग पैसे की कमी की वजह से, पारिवारिक सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाने की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे वो दोबारा जो है अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकें। तो अब तो गवर्नमेंट ने जैसे ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी को भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम 100 यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो हमको भी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करने का मौका मिल रहा है इस साल से, तो उससे वर्किंग क्लास के लोग भी इससे जुड़ेंगे, कंटेंट्स हमारे डिजिटल हैं, डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो अच्छे टीचर्स की कमी है, सब्जेक्ट के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो अभी कम टीचर बहुत दूर दूर तक कवर कर सकते हैं। सर आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर हैं, टीम बिल्डर भी हैं, इसके साथ ही आप टीचर भी हैं जी, क्या ये पढ़ाना आप कब तक जारी रखेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं टीचर हूँ, 93 में जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला टीचर था, आज भी यहाँ पर बहुत से टीचर हैं, सब जगह मिल के हो सकता है 1,000 टीचर हों, तो उनमें से एक मैं भी हूँ, और ये मेरी ज़रूरत है, टीचर में हमेशा बना रहूँगा, क्योंकि क्लासरूम में जाके जो है इट्स आ ब्लड थिनिंग प्रोसेस फॉर मी, क्लास में जाके जो है मेरे को बहुत ऊर्जा मिलती है, और अगर मैं किसी दिन क्लास में ना जा पाया तो बड़ा अजीब सा लेजी सा फील करता हूँ, बाकी काम तो चलते ही रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ मेरा स्टूडेंट से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, रोज़ शाम को मैं स्टूडेंट्स के साथ बैडमिंटन खेल लेता हूँ, ठीक है, अपने घर वालों के साथ भी, अपने पहले बड़े बेटे को पढ़ाता था, अब छोटे वाले बेटे को रोज़ शाम को पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद रोज़ रात को अपने फादर के साथ चेस खेल लेता हूँ, तो ये मैंने अपने रूटीन में शामिल कर रखी हैं सारी चीज़ें और इनको मैं लगातार करता रहता हूँ। सर दुनिया की सब बड़ी कंपनियाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सब में आपके एलुमनाई हैं, दुनिया के लगभग हर देश में हैं, उनके लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि आज भारत और इसके बाहर के तमाम देशों के हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी हमारी ग्राफिकरा की सक्सेस है इसका जो है क्रेडिट मैं अपने एलुमनाइज को देता हूँ, पहला क्रेडिट एलुमनाइज को है, दूसरा मेरी टीम को है जो यहाँ पर काम करती है, क्योंकि अगर एलुमनाइज अच्छा काम नहीं करते तो कंपनियाँ हमारे पास बार बार और बच्चे लेने के लिए नहीं आती, तो उनको क्रेडिट जाता है, और इस समय उनके लिए एक संदेश है कि इस विकट परिस्थिति में वो दुनिया के जिस भी कोने में हों वो अपने और अपने परिवार के बड़े लोगों का पूरा ध्यान रखें,
और धीरे धीरे समय बदलेगा और हम इंडियंस बहुत टफ होते हैं, जब समय बदलेगा तो हम बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे और दोबारा से जो है प्रगति की रेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।